फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही अपना आशियाना है। आज हम आपको सेलेब सिटी के इस वीडियो में उन एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो सालों से मुंबई में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास मुंबई में अपना घर नहीं है। नंबर वन, जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन को बॉलीवुड में वैसे तो 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनके पास खुद का घर नहीं है और वो किराए के घर में रहती हैं। जैकलीन फर्नांडिस फिलहाल प्रियंका चोपड़ा के घर में किराए पर रहती हैं। कुछ महीनों पहले ही जैकलीन ने प्रियंका चोपड़ा का जुहू मुंबई स्थित अपार्टमेंट कर्मयोग किराए पर लिया है। जैकलीन फिलहाल प्रियंका के इसी अलीशान घर में किराए पर रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलीन हर महीने प्रियंका को 6,78,000 रुपए किराए के तौर पर देती हैं। नंबर टू, कैटरीना कैफ। 2003 से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव कैटरीना के पास आज भी इंडिया में खुद का घर नहीं है। वो अभी भी मुंबई में किराए के घर में रहती हैं। कैटरीना फिलहाल मुंबई के अंधेरी वेस्ट के मौर्य हाउस में अपनी बहन ईसाबेल के साथ रहती हैं। शुरुआती दिनों में कैटरीना बांद्रा के गुलदेव सागर में रहती थी। 2014 में वो बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ कार्टर रोड स्थित सिल्वर सैंड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, लेकिन 2016 की शुरुआत में दोनों अलग हो गए थे और इसके बाद कैटरीना अंधेरी में किराए पर रहने लगी। नंबर थ्री, परिणीति चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा भी मुंबई में किराए पर रहती हैं। फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली परिणीति चोपड़ा मुंबई के एक उपनगरीय इलाके में किराए पर रहती हैं। परिणीति को बॉलीवुड में 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनके पास भी अपना घर नहीं है। नंबर फोर, ऋचा चड्ढा। गैंग्स ऑफ वासेपुर, फुकरे मसान, सरबजीत और मैं और चार्ल्स जैसी फिल्मों में काम कर चुकी ऋचा चड्ढा पिछले कई सालों से वर्सोवा स्थित किराए के एक फ्लैट में रहती हैं। ऋचा चड्ढा को फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुंबई में उनका अपना घर नहीं है। नंबर फाइव, हुमा कुरैशी। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हुमा कुरैशी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर और डेड स्क्वायर 2 में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। फिलहाल हुमा कुरैशी मुंबई के अंधेरी इलाके में अपने भाई साकिब सलीम के साथ 5 BHK फ्लैट में किराए पर रह रही हैं। नंबर सिक्स, इलियाना डिक्रूज। मशहूर फिल्म बर्फी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली इलियाना डिक्रूज हाल ही में अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म द बिग बुल में नजर आई थी। इलियाना मूल रूप से गोवा की रहने वाली हैं और मुंबई में अंधेरी स्थित एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रह रही हैं। नंबर सेवन, अदिति राव हैदरी। फिल्म पद्मावत में काम कर चुकी अदिति राव हैदरी पिछले कई सालों से बॉलीवुड में काम कर रही हैं। अदिति का अपना घर हैदराबाद में है जहां उनका परिवार रहता है। अदिति फिलहाल अंधेरी स्थित एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहती हैं। नंबर एट, चित्रांगदा सिंह। 2005 में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी मुंबई में किराए के घर में ही रहती हैं। चित्रांगदा 2010 से किराए के मकान में रहती हैं। हालांकि खबर है कि उन्होंने अंधेरी में एक नया घर खरीदा है और वो जल्द ही उसमें शिफ्ट हो सकती हैं।